Hello students, today we learn about the types of energy of a satellite. There are three types of energy: kinetic, potential and total energy of the satellite. First, we know how we calculate the kinetic energy of the satellite. The method is this one. I suppose this one is the Earth and this is the orbit of the satellite in which a satellite rotate. Now I suppose this is the center of the satellite. मान लिया ये center of earth है और यहाँ पर ये color change कर देते हैं. ये मान लिया यहाँ पर satellite है. तो एक बात तो हमें ये मालूम है, इसका mass हमने माना है. With the mass of this one is m, earth का mass m है और satellite का mass small m है. इन दोनों के बीच में जो distance है that is small r. तो ये हम मानते हैं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है. हमें मालूम है भी द जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, यानी जी एम एम बाई आर स्केयर प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सेटेलाइट दैट इज एम वी स्केयर बाई आर. एक आर ने आर को काट दिया, एम ने एम को काट दिया. तो एम को मत काटिए क्योंकि आपने एनर्जी निकालनी है, तो इस एम को कैंसिल नहीं करते. यानी हमारा क्या आ गया, जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्केयर. जान के हाफ से मल्टीप्लाई किया इस साइड, तो हाफ से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये हाफ से करने से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया. काइनेटिक एनर्जी आ गई जी एम एम बाई टू आर. तो सर ये तो बड़ा सिंपल फार्मूला था. तो अभी पोटेंशियल एनर्जी जब निकालनी है, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है. पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपको मालूम वैसे ही मालूम है भाई. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास इंटरेक्ट एट डिस्टेंस आर इज माइनस जी एम एम बाई आर. तो ये आंसर तो डायरेक्ट ही आ जाएगा. What is total energy of the satellite? आप दोनों एनर्जी को ऐड कर देंगे, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी जो टोटल एनर्जी है वो आ जाएगी माइनस जी एम एम बाई टू आर. तो देखने वाली बात ये है भी, अगर मैं बोलूँ भी जो एनर्जीज है ना उनकी जो, देखो ध्यान से देखना जरा, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ काइनेटिक एनर्जी की तो वो कितनी आ रही है. सो दैट इज़ जी एम एम बाई टू आर. अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बोलूँ तो वो कितना आ गया सर, माइनस जी एम एम बाई आर. अभी टोटल एनर्जी को देखो तो ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है सर, ये तो बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी से सेम ही हो रहा है. इन दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, फ़र्क कहाँ है? यहाँ पर माइनस लगा है टोटल एनर्जी के केस में और यहाँ पर माइनस नहीं लगा. और अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैं देखूँ, अगर देखो मैं टोटल एनर्जी को टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा. यानी पोटेंशियल एनर्जी डबल है किससे, टोटल एनर्जी से. तो मैं यह लिख सकता हूँ, आई विल राइट दैट पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ, देखो इसको मैं टू से मल्टीप्लाई करूँ तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा तो यही आ जाएगा. तो मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी. तो ये तो हमें पता लग गया, वेयर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि इन दोनों का फार्मूला देखो, अगर मैं ये बोलूँ जो मेरा फार्मूला है वो तो यही है ना, जी एम एम माइनस जी एम एम टू आर. तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम है, बस इसमें प्लस है आगे और इसके आगे माइनस है. तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होती है, लेकिन वो नेगेटिव साइन में डाल दी. ये मैंने नेगेटिव साइन डाला, ये ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी. तो इसके बेस पे ना ग्राफ आता है, वो देख लो जल्दी से, एक मिनट में करते हैं, जल्दी से काम खत्म करेंगे. तो सपोज ये मैंने मान लिया ये ग्राफ है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया ये ऊपर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही नेगेटिव हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डबल है, ट्वाइस है. तो सारी एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू आर है, पोटेंशियल एनर्जी में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू आर है, टोटल एनर्जी में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू आर है, लेकिन ये दोनों नेगेटिव हैं. और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्वाइस है इनसे, मैं कह दूँ टू टाइम्स है इससे और इससे. तो अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ यूँ बनेगा, सपोज पॉजिटिव है इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू आर तो यूँ गया, तो सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी एक जैसी ग्राफ बनेंगे, लेकिन ये नेगेटिव में है, इन दोनों की वैल्यू सेम है. तो बिल्कुल जितनी दूरी पे ये जैसे ग्राफ बना, मैं यहाँ से शुरू करूँगा और ये गया, पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव बना, ये पोटेंशियल एनर्जी का है, ये काइनेटिक एनर्जी का है, ये डिस्टेंस है, और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से डबल होगी. यानी वो ये कुछ ऐसे, मतलब अगर ये डिस्टेंस वन है तो ये डिस्टेंस टू हो जाएगा, ऐसे करके सोच लो.
मतलब इजी रहता है. तो यानी सबसे नीचे कौन बना सर? सबसे नीचे बना टोटल एनर्जी. अभी दो सेम कौन कौन से हैं सर? टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखने में सेम है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों मिरर इमेज है, क्योंकि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है. तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से करना है. ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय.